आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर, और इसीलिए मैंने कहा कि 411 सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाऊंगी। लो, कोई पहली बार थोड़े ही हो रहा है, और मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियाँ कर रही हूँ? क्या मैं नासिर खान की तरह बलात्कार कर रही हूँ, या अवेसी की तरह भारत के माहौल को भड़काऊ भाषण दे करके खराब कर रही हूँ, या लैंड माफिया खोल करके बैठी हूँ वक्फ बोर्ड की तरह, या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ, या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो आस्था और विश्वास की जगह पर आ रही हूँ, एक पाक जगह पर आ रही हूँ, एक पवित्र जगह पर आ रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं लगता मैं वैसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो जाए? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। अगर एक मुस्लिम महिला हिंदू के भजन को गा देती है तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, और आप खुलकर बोल रही हैं। हाँ, मैं तो खुलकर बोलूंगी, एकदम खुलकर बोलूंगी, काहे नहीं बोलूंगी, कौन रोक सकता है मुझे? अवेसी साहब के पास, मदनी साहब के पास, बर्क साहब के पास बहुत बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19, 14, 21, 22, 29 मेरे लिए नहीं है, काहे नहीं होगा मेरे लिए? मेरे लिए नहीं होगा? बहुत बढ़िया, हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात एकदम, और मैंने तो संविधान पढ़ा हुआ है। अवेसी अगर बैरिस्टर है तो नाजिया कोई जाहिल अनपढ़ तो नहीं है कि वो समझा देंगे भाई मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मेरा कहाँ चला गया? मेरा कहाँ चला गया? मैं जाकर के सीरिया में ढूंढूं क्या अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच? मैं सीरिया में ढूंढूंगी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो बात भाईचारे की करिए ना। ये तो कहीं ना कहीं बोल रहे कि धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बार बार माहौल खराब होता रहा। चलिए भाईचारे की बात करते हैं। ज्ञान वापी दे दो बिना लड़े। बहुत बढ़िया, भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं ना। सनातनी बेटी श्रद्धा की बोटियां करके, श्रद्धा की बोटियां करके आफ्ताब को फिर ससुराल भेज दिया गया जेल, हमारे और आपके टैक्स के पैसे पे उसको दामाद बना करके रखा गया जेल के अंदर। कटवा दो औजार, बना दो नामर्द, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम तो यही कहता है ना कि बलात्कारियों को नामर्द बना दिया जाए। सऊदीया का कानून भी यही कहता है, और हमारे अल कुरान 30 पारा भी यही कहता है कि अगर कोई भी मुसलमान मर्द जना करता है तो उसको नामर्द बनाया जाए। बनाओ, मैं लिस्ट दे देती हूँ, मैं लिस्ट दे देती हूँ बलात्कारियों का, मुसलमान बलात्कारियों का। आपने ज्ञान व्यापी की बात की, ज्ञान व्यापी दे दो, भाईचारे की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, करते हैं शुरुआत ना। अवेसी साहब ने कहा था कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है, क्यों वहाँ पर पूजा नहीं हो रही थी? 1717 से वहाँ पर पूजा हो रही है। जयपुर के महाराजा जी ने जब वहाँ पर चबूतरा बनवाया था, चौकी रखी थी, वहाँ से लेकर के 1858 में पहला मुकदमा दायर हुआ था, 1885 में फैजाबाद कोर्ट में सीरियल नंबर 68 केस गया था, और उसके बाद से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में जब 2 डेकेड लड़ाई निर्मोही अखाड़ा के साथ और वीएचपी के साथ जब हो रही थी, तो ये लोग क्या अपने मुंह में लेमन चूस लेकर बैठे थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लड़कर के क्यों नहीं जीते? सबूतों के आधार पर क्यों नहीं जीते? जब आचार्य जी ने 441 वेदों और ग्रंथों के सबूत रखे थे मुसलमान जज के सामने, तब उसको क्यों नहीं काट पाए? अरे भाई, लीगल भी आप जीते हैं, धार्मिक भी आप जीते हैं, और इमोशनली भी आप जीते हैं, तीनों आधार पर आपकी जीत हुई है। तो अब इसमें क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं? और अवेसी साहब जो बोल रहे हैं वो अपना टीआरपी बनाने के लिए, माहौल गर्म करने के लिए ये सब बोलते रहता है। खुद बैरिस्टर है, 5 मुसलमान भी बैरिस्टर नहीं बना पाया। लेकिन मैम, एक तरफ जहां राम के नाम पर राजनीति तो दशकों से होती आई, लेकिन अब सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, ये कोई आस्था वास्ता का प्रोग्राम नहीं है। तो फिर अवेसी भी जनमाज बिछा करके नमाज जो है अपने सियासत के फायदे के लिए ही पढ़ता होगा, उसी के लिए पढ़ता होगा। धार्मिक, अगर किसी के धर्म को हम उंगलियां उठाएंगे तो हमारे धर्म पर भी तो उंगलियां उठेंगी ना। आप लोग बहुत शरीफ आदमी लोग हो, सनातनी बहुत टॉलरेंस है, बड़ा बर्दाश्त है आप लोगों के अंदर, इसलिए बताया जाता। कौन वजह बता रहा है? आमिर खान ने कहा था ना कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, डर लगता है अब यहाँ का नमक खा करके। हाँ। और यहीं के थाली में लुंगी उठा करके हगने वाले को मैं एकदम वैल्यू नहीं देती हूँ, एकदम वैल्यू नहीं देती हूँ। इसलिए लाल सिंह चड्ढा का मैंने लुटिया डुबो दिया था सारे स्टेट में केस करके।
स्टेट में मैंने केस करवाया था कि इसको बैन करो। अच्छा मैम, एक तरफ अभी बहुत पवित्र जगह हम लोग खड़े हैं, प्रभु हनुमान जी का ये स्थान माना जाता है और बहुत प्राचीन है। जब कहा जाता है कि कण कण में राम है, व्यक्ति व्यक्ति में राम है, और राम की कोई अस्तित्व नहीं जान पाया ना जान पाएगा क्योंकि वो बिना आकार के होते हैं, आस्था तो यही कहती है, तो फिर जब रोम रोम में राम है तो इतना पैसा लगा करके एक भव्य मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाता राम के नाम पर, एक अच्छा विश्वविद्यालय बन जाता तो लोगों के लिए फायदा होता ना। कौन सी मस्जिद जो है वो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोल रही है? कोई मस्जिद खोली है क्या? नहीं, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, सारी मंदिरें सरकार को टैक्स दे रही हैं, सारी मंदिरें यूनिवर्सिटी खोल रही है, कैंसर हॉस्पिटल खोल रही है, गुरुकुल खोल रही है, मंदिरें तो बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत, और अपने पैसे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। और राहुल बाबा के अब्बा जान ने बनवा दिया क्या मंदिर? अब्बा जान या पापा? अब्बा जान कश्मीरी पंडित है, उनके घर में, उनके कौन है कश्मीरी पंडित? राहुल गांधी है, खानदानी मुसलमान है। हाँ देखिए अंकल जी एकदम सही कहे हैं। 1954 दत्तात्रेय को मान, सुनिए सुनिए, 1949 में अजमेर शरीफ गए थे नेहरू साहब जी, नेहरू मामू बनाए हैं हम लोग सबको, आपको, आप लोगों को कुछ ज्यादा ही बनाए हैं, चाचा वो है नहीं, वो मामू बनाए हैं आप लोग सबको। अजमेर शरीफ गए 1949 में, और 1950 में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वहाँ नहीं गए थे। 1955 में जब सऊदी अरबिया के शहजादे आ रहे थे तो सारी मंदिरों पे पर्दा ढक दिया था और ला इलाहा का बोर्ड लगा दिया था। 1966 में इंदिरा गांधी ने साधु स्लॉटर करवाया था। अब आप बताइए, अजमल कसब पे 30 करोड़ रुपया खर्चा करवाया गया था मेहमान नवाजी पर, अब आप बताइए, अब बताइए, उनको मैं अब्बा जान ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ? अगर मुसलमानों से भी इतनी मोहब्बत होती ना तो कभी भी शाबानों सायराबानों को कलपता रोता तड़पता नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। वो तो कह रहे हैं कि हम भाईचारे की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, और जबकि दो भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते हैं। मेनका गांधी और सोनिया गांधी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखती हैं, वरुण गांधी और राहुल गांधी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, और भाईचारा कौन सा भाईचारा भाई? निकले तो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, लोगों को न्याय दिलाने, पश्चाताप यात्रा है, पश्चाताप यात्रा, क्योंकि जिनके पूर्वजों ने और बाप दादा ने अब्बा जान ने सबसे ज़्यादा अन्याय किया है उसी की माफ़ी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं और एक बात बता देती हूँ, 4000 किलोमीटर चले थे चवन्नी अट्ठन्नी एक्ट्रेस को लेकर के, उसके बाद धीरज शाहू को लेकर के जो गड्डियों का साम्राज्य था, उसके बाद कन्हैया को लेकर के जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगाता था, क्या पा लिए, क्या पा लिए? तीन राज ना मिला ना और तीन राज में क्या हुआ, मुंह के बल गिरे हैं, ठीक है अब उनको थोड़ा और यात्रा करने दीजिए, इस बार एकदम पत्ता साफ, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए।